हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारे से गीत का नोटेशन मैं बता रहा हूँ। इसको रवि साहब जी ने गाया है और ये बहुत ही प्यारा गीत है। इसका हमारा ओरिजिनल जो स्केल है वो ये है जी शार्प, ठीक है। और मैं इसका जो नोटेशन बताऊंगा आपको वो सी शार्प के हिसाब से बताऊंगा ताकि आप उसको सही तरह से समझ पाए और प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, किस तरह हमारा ये आएगा आइए देखते हैं। सबसे पहली लाइन को देखते हैं। जब 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 जब, पहला जब जो है वो पापा पे आएगा, पापा। जब धा नीनी, धा को साथ में लेकर नीनी। जब जब पापा धनीनी बहार नीनी, धा पापा बहार नीनी, धा पापा आई आई आई, पदनी धा आई पदनी धा। और पापा फूल पापा धनीनी, और फूल पापा धनीनी, मुस्को मुस्को राए मुस्को मुस्कुराए। ये पूरा सब्जेक्ट जो है, पूरा जो फ्रेज है वो काफी लंबा होगा तो इसको दो भाग में आप समझें। मुस्कु नीधा पापा, मुस्कु नीधा पापा, मुस्कु राए राए, पा धा नी सा नी धा, राए पा धा नी सा नी धा, मुस्कु राए नीधा नीधा पापा पधा नीसा नीधा, पूरा मिलाकर इस तरह आएगा। मुस्कुराए मुझे तुम मुझे पापा तुम पधा पा मुझे मामा तुम पधा पा याद आए नीधा पापा याद आए नीधा पापा। इस तरह से हमारी ये दोनों लाइनें आएंगी। अभी एक बार मैं आपको गाकर दिखाता हूँ। जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। दूसरी बार में मुझे तुम याद आए, पाधमा यहाँ पे खत्म होगा। मुझे तुम याद आए इस तरह। उसके बाद में जब जब भी चांद निकला, सेम सरगम। जब फर्स्ट लाइन आप बजा लेंगे तो सेकंड लाइन बिल्कुल सेम आएगी। जब 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 भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए। जो हमारी फर्स्ट की दो लाइनें हैं बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह से हमारा ये
दोनों लाइनें आएंगी बाद वाली भी, ठीक है। इतना बजने के बाद में फिर एक छोटा सा म्यूजिक आ जाता है, म्यूजिक आएगा जो वो कोई बड़ा म्यूजिक नहीं, बहुत ही सिंपल सा म्यूजिक है, रे 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 गा, रे 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 गा गा, रे 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 नी, इस तरह। उसके बाद हो आलाप आएगा, हो नीरे सा, नीरे सा निधा निधा पा, उसके बाद हमारा अंतरा आ जाएगा। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, ये अंतरा की लाइन फर्स्ट लाइन आएगी। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना नीनी सारे, अपना नीनी सारे कोई रे रे, कोई रे रे तरा तरा गा गा सा नी धनी धपा तराना, गा सा नी धनी धपा, मैंने पानीनी मैंने पानीनी नहीं नहीं, नी नीरे नी निसारे नहीं नी निसरे बनाया, गा सारे रे बनाया गा सा रे रे। उसके बाद तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया, ये हमारी सेकंड लाइन होगी। तुमने मेरे रे 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 रे, तुमने रे रे मेरे रे रे लबों रे मागा रे मागा रे लबों पे 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 सानी धापा लबों लबों पे रे मागा रे मागा रे सानी धापा, हर एक पानी नीने हर एक पानी नीने सुर सुर निसारे सुर सजाया, नी सॉरी गा सारे रे सजाया गा सारे रे। उसके बाद एक छोटा सा आलाप आता है, हो 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 इस तरह, निसारे सा हो निसारे सा निधनी धापा हो निसारे सा निधनी धापा। उसके बाद में फिर हमारा स्थाई की तरह आ जाएगा,
जब जब मेरे जब जब मेरे पापा धनी नी 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 धापा तराने तराने पापा धनी धा दुनिया ने पापा धनी में दुनिया ने पापा धनी ने गुन गुन गुनाए गुन निधापा गुन निधापा गुनाए पापा धनी सनिधा गुन गुनाए गुन गुनाए इस तरह पूरा आएगा गुन गुनाए निधा पा 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 धनी सा निधा मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए। इस तरह हमारा ये स्थाई प्लस म्यूजिक और फिर अंतरा आएगा, ठीक है। तो इसको खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और मैं लास्ट में आपको इसका नोटेशन भी दिखा देता हूं। कई बार नोटेशन में इतना लिख तो नहीं सकता वीडियो के ऊपर, लेकिन मैं आपको इसको दिखा देता हूं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के अपनी डायरी में लिख लीजिए, तो आप इसको आसानी से बजा लेंगे, ठीक है। पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर ये हमारा अंतरा का ले लीजिए। ये आपका पूरा जो है एक अंतरा एक स्थाई का नोटेशन है, और इसको आप डायरी में लिख लीजिए, ठीक है, और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो को नोटेशन भी आपको मिल गया है, तो इसको अगर आप डायरी में अच्छे से लिख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस गीत को बजा पाएंगे। सेकेंड अंतरा इसका हमारा बिल्कुल सेम है, जैसे फर्स्ट अंतरा वैसे सेकेंड अंतरा। तो इसको आप अच्छे से खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, ताकि अच्छा आप कर सकें, अच्छा बजा सकें, अच्छा गा सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे और हर गीत आप बजाते रहें। और बहुत सारे गीतों को जब आप बजा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ बजाना आने लगेगा। और अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही सीख सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल करके सिखाया जाता है और वीडियो ट्यूटोरियल से भी सिखाया जाता है, किसी भी तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे सीख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।